किसान आंदोलन की ऐतिहासिक जीत और उससे जुड़े हुए जो बहुत अहम सवाल हैं कि आगे क्या दिशा लेगा, किस तरफ मुड़ेगा किसान आंदोलन, इस पर हमने बातचीत की एक ऐसे जत्थेबंदी, एक ऐसे किसान यूनियन के नेता जो बहुत अलग पहचान रखते हैं इस पूरे के पूरे एक डेढ़ साल से जो आंदोलन चल रहा है उसमें। उनका नाम है जोगिंदर उग्राहा, BKU उग्राहा के नाम से उनकी जत्थेबंदी है। और इस यूनियन की खासियत है कि इसमें महिलाएं हैं, इसमें मजदूर हैं, इसमें तमाम लोग जो किसी न किसी रूप में खेती से जुड़े हुए हैं, उनकी एक अहम भूमिका है, उनकी नेतृत्व की गारंटी है यहाँ पर। आइए देखते हैं कि उग्राहा किस तरह से इस आंदोलन की जीत को देख रहे हैं और उसके साथ साथ आगे की दिशा क्या होगी, मोदी और भाजपा के तमाम दावों का किस तरह से देश का अन्नदाता जवाब देगा, इसका जवाब हमें देते हैं। उग्राहा जी, सबसे पहले न्यूज़ क्लिक की तरफ से आपको बधाइयाँ, सारे किसान आंदोलन को बधाई, पहली बार 7 साल में मोदी सरकार को आप लोगों ने झुकाया। अब दो चीज़ें बताइए, एक साल पूरा हुआ, 5 राज्यों में चुनाव है, आपके अपने राज्य में चुनाव है, किसान आंदोलन को कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहली बात बादशाह जी, ये आंदोलन की सबसे बड़ी जीत है, इसकी आंदोलन की इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आंदोलन कल किसानों का नहीं था, ये आल जैसे बोले इसको जन आंदोलन था, जनता का आंदोलन था। इसमें सबसे विशेष बात यह है, ये आंदोलन धर्म निरपेक्ष आंदोलन था, जाति से धर्म से ऊपर उठा हुआ आंदोलन था। इसकी विशेषता है, इसकी जीत का सबसे बड़ा कारण है कि इस आंदोलन के अंदर धर्म की कोई दखल अंदाजी नहीं थी। दूसरा सबसे बड़ा ये कारण इसका है, इस आंदोलन के जीतने का, कि ये राष्ट्रीय नेताओं से दूर रहा है ये आंदोलन। राष्ट्रीय दखल अंदाजी, जो राष्ट्रीय लीडर हैं, वो पार्टियों को इसको आंदोलन के नज़दीक नहीं आने दिया। ये दो कारण है इस आंदोलन को बहुत बड़ी जीत दिलाने के लिए। तीसरा है जन समर्थन, वो जनता का जो सहयोग मिला है, जैसे मीडिया का सहयोग, सोशल मीडिया का सहयोग, NRI का सहयोग, पंजाब के पीछे बैठे लोगों का सहयोग, इस सहयोग ने हमारे पर लगा दिए। इस आंदोलन ने हमारे हौसला दिया, इस आंदोलन ने हमें सुकून दिया, ये आंदोलन, इसलिए ये जीत हमारी जीत नहीं, अकेले की जीत, ये पूरी जनता की जीत है, पूरे लोगों की जीत है, सारे लोग इसमें शामिल हैं, इसका सिरा सबके ऊपर जाता है। एक अभी आपको क्या खतरा लगता है, खास तौर से मैं आपसे ये बहुत सीधा सवाल पूछना चाहूंगी कि मोदी जी ने जब देश को संबोधित किया, उस संबोधन में उन्होंने बहुत ही चतुराई से ये बात रखी कि कुछ किसान हैं जिनको वो समझा नहीं पाए और इसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगी, और दूसरा उन्होंने कहा कि अंतिम समय तक वो यही कहते रहे, मतलब अभी तक जो उनका स्टैंड है, कि तीनों कृषि कानून हम लाए तो अच्छे के लिए थे और इससे गरीब किसानों को फ़ायदा होना था, छोटे किसानों को फ़ायदा होना, तो अभी भी उन्होंने ये तो नहीं माना कि किसान कृषि बिल ख़राब हैं। देखिए बादशाह जी, सप अगर जख्मी हो जाए ना तो डंग मारने की समर्थता तो उसमें होती है ना, इसलिए ये मोदी है ना, जख्मी सांप की तरह है, ये दहा देखता है कि किस समय इसकी मार में आए और किस समय डस मार। नीति नहीं बदली, नीत नहीं बदली, फैसला बदला है सिर्फ, नीति और नीत वही है। बहुत बेईमानी और चलाकी के साथ ये ऐलान किया है, इस आंदोलनकारियों को इग्नोर करके फैसला कर लेना, अपनी कैबिनेट के साथ कोई मशवरा ना करे के बगैर ऐलान कर देना, जो मांगे हमें इस आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी, जो उसकी बाकी रह रही मांगे हैं, उनके ऊपर कुछ भी ना बोलना, और लास्ट में ये कह देना कि हम भारत के लोगों से माफ़ी मांगते हैं,
हमारी तपस्या कामयाब नहीं हुई, दिए की लो जैसा सच। जे माफी हमारे से नहीं मांगी, जे कारपोरेट से मांगी है। तपस्या की बात यह है कि हम इन लोगों को गमराह करने में कामयाब नहीं हो सके, माफी इस बात की मांगी। इसलिए उसने तभी बोला है कि कुछ किसानों को हम समझाने में कामयाब नहीं हो सके। इतने बड़े हजूम को वो कुछ किसान बोल रहा है, कुछ लोग बोल रहा है, इसलिए वो अपनी नीति के ऊपर वैसे खड़ा हुआ है। हमें उसका पता है कि वो किसके हाथों में खेल रहा है, हम उसकी चाल को समझते हैं, उसकी खासलत को समझते हैं, उसका जो नज़रिया है फिरकू फांसीवादी नज़रिया, उसको अच्छी तरह पहचानते हैं। इसलिए हमारी लड़ाई उसी तरीके से लड़ी गई है कि हम जिसके साथ लड़ रहे हैं उसका खासा क्या है, इसको देखकर हम लड़े हैं। इसीलिए हम पहचान कर ही लड़े हैं, उसी दिशा में लड़े हैं, ऐसा आंदोलन लड़े तभी हम जीते। 5 राज्यों में चुनाव है अभी, एक ठीक उससे पहले 3 कृषि कानून वापस हुए, कितना फ़ायदा भाजपा को आपको लगता होगा? देखिए बादशाह जी, जितनी बात लोगों में चली गई है कि बच्चा बच्चा मोदी मुर्दाबाद बोल रहा है, छोटा सा बच्चा बाहर निकलता है मोदी मुर्दाबाद, जी नफरत जो उसके प्रति गई है, वो उसने किसे ऐलान कर दिया, क्या कर दिया क्या नहीं कर दिया, ये समय बताएगा। लेकिन यूपी में, उत्तराखंड में, हरियाणा में, पंजाब में, ये 4-5 स्टेटों में जितना किसान लहर ने उसके विरुद्ध विरोध खड़ा कर दिया, हमें संभावना नहीं है अभी वो जीत सकेंगे। हिंदू मुसलमान करने पे बड़ी पैमाने पे तैयारी है, कल यहाँ पे जो नया एयरपोर्ट खोला उसमें भी उन्होंने मुसलमानों को काफ़ी, योगी आदित्यनाथ ने कोसा है और काफ़ी जिन्ना के नाम पर उन्होंने पोलराइज करने की कोशिश की है। क्या आपको लगता है कि किसान बेल्ट में भी, क्योंकि हिंदू मुसलमान पश्चिम उत्तर प्रदेश पंजाब सब जगह है, तो कुछ फाड़ पड़ पाएगी? बादशाह कभी छोड़ा था ये बात? उस नई बात है जी, कोई उसने कभी ये छोड़ा है? मुसलमान अगर उसको बोलें कि आप ऐसा करें कि आप भाषण दें 10 मिनट, उसमें मुसलमानों का नाम नहीं लेना, तो भाषण नहीं दे सकता वो। उसने कभी छोड़े ही नहीं इस बात को, उसका स्टैंड ही है, उसका ट्रेंड है उसका जी, इसके ऊपर उसके पास इसके अलावा कोई बात ही नहीं दूसरी बोलने के लिए। ये पता हमने इस आंदोलन में फेल कर दिया। देखा ये भाईचारा बैठा, ये भाईचारा बैठा हुआ है, मुस्लिम है, हम सिख हैं, इसके आगे जाओ हिंदुओं के कितने लंगर लगे हुए हैं, उसके आगे जाओ सिखों के कितने लंगर लगे हुए हैं, ये पत्ता राष्ट्रवाद का, हिंदू राष्ट्रवाद का पत्ता हमने पीट दिया, नहीं चलने दिया। आज तक उसने जितने इस आंदोलन के अंदर पैंतड़े लिए हैं सब के सब फेल। खीरी वाली घटना थी और उनको लतड़ के मार दिया, डराने की कोशिश की, डरे नहीं, उसका बदनाम हो गया और अल्फ नंगा होगा दुनिया के अंदर। इधर कुंडली बॉर्डर के ऊपर बेअवधि की मसले पर एक मजदूर का कत्ल किया, उसका पर्दाफाश हुआ, दोषी का और निकला बीजेपी का तोमर। उसने बदनाम करने की कोशिश किया, जे कातल हैं, इधर कत्ल होते हैं, लेकिन पासा इतना पुट्ठा पड़ गया कि सारी की सारी बाजी बीजेपी के सिर पर जा पड़ी। इसलिए उसने जितने भी इधर पत्ते चले हैं, 28 तारीख को आपने देखा, आप तो बीच में थी ना, 28 तारीख को बोला ना कि तिरंगे की बेअवधि हो गई 26 जनवरी को, वो भी पता तो उन्हीं का चलाया हुआ था, उन्हीं के लोग थे जो बोले भी लाल किले के ऊपर झंडा चाड़ने की बात करते थे, वो पता तिरंगे की बेअवधि का हरियाणा के जाटों में चला दिया, ये खालिस्तानी है, ये आपको SYL का पानी नहीं देते, ये वो हैं, ये वो हैं, बड़ी कोशिश की, लेकिन वो पता भी नहीं चल सका, तिरंगे की बेअवधि का पता भी नहीं चल सका, अटैक करने की वो भी नहीं चला, शराब बांटने की कोशिश की वो भी नहीं चला, और सप्लाई की काम किया वो भी नहीं चला, जितने पते चले हैं सारे के सारे फेल हुए हैं। और वही मोदी 56 इंच की छाती वाला जो पड़ा सामने आपके।
एक आखिरी चीज, एक साल हो गया, आगे की रणनीति क्या होगी? क्योंकि बार बार लोगों से और आप सब नेताओं से बोला जा रहा है कि भाई मांग हो गई, टिकैत जी को घेर के भी लोग बोल रहे हैं कि भाई अब तो मांग पूरी हो गई, अब घर जाओ खेती करो। देखिए, एक मांग तो हम जो नारा था कि कानून वापसी घर वापसी, वो तो पूरी होगी, लेकिन इससे ये नहीं कह सकते कि आंदोलन समाप्त हो गया। किसानी की मांगे और पड़ी हुई हैं, 5-6 मांगे, 3 मांगे तो हम और लेकर आए हैं हम साथ में। MSP की मांग, सरकारी खरीद की मांग, जनतक बांड प्रणाली की मांग, ये खड़ी हुई है, स्टैंड कर रही है। बिजली बिल 2020 की बात खड़ी हुई है, स्टैंड कर रही है। इस बार आ रहा है, पहला लिस्टेड है, नहीं लिस्टेड है, लिस्टेड आ गया, लिस्टेड है। तो दूसरी पराली वाली, प्रदूषण वाली बात भी स्टैंड कर रही है। इसके अंदर जुड़ गई कितनी बातें हैं, लखीमपुर की घटना जुड़ गई, उसका कुछ नहीं बना। आंदोलन के अंदर कितने किसानों के ऊपर पर्चे दर्ज हुए हैं, उसका कुछ नहीं बना। आंदोलन के अंदर 700 बंदा शहीद हो गया, उसका कंपनसेशन का कुछ नहीं बना उनकी मदद के लिए। ये मांगे स्टैंड करती हैं। ये जो पीरियड है, जब तक राष्ट्रपति के साइन नहीं होते कानून रद्द होने पर, उस पीरियड में, इतने पीरियड में हम इन मांगों में क्या क्या ले रहे हैं, क्या क्या मिल जाती हैं सरकार को। हमने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लेकर भेजा है, भाई आप मांगे हमारी रहती हैं, बोले आप किसके ऊपर क्या करते हैं। इसमें जो कुछ भी आ जाता है देखेंगे, उसके बाद में कितने देर बैठना है ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन हम यहाँ जब भी यहाँ से उठेंगे, ये ऐलान कर उठेंगे कि ये जीत हमने जीत ली है, ये बात हमारी बाकी है, इसके ऊपर आंदोलन चलेगा, इसके ऊपर आंदोलन खत्म करने जा रहे हैं। एक दिल से बताइए कि कभी सोचा था कि इतनी जल्दी वो मान लेंगे? क्योंकि हम, मैंने तो आपसे बहुत बार बात की है न्यूज़ क्लिक के लिए, बीच बीच में लग रहा था कि सुन ही नहीं रहे, जनवरी के बाद एक लाइन उन्होंने बात नहीं की। तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि आंदोलन कितना लंबा चलेगा, क्योंकि किसान भी घर छोड़ के बैठा हुआ है, भारत के इतिहास में कभी नहीं बैठा। देखिए बादशाह, साफ सी बात है, ऐसे ऐलान कर देगा एकदम, सारे के सारे अपील करने के लिए तैयार हो जाएगी सरकार, ये नहीं था हमें, ऐसा हमने कभी नहीं सोचा था। लेकिन ये सरकार कानून रद्द करती है कि नहीं करती, ये तो बात हमें छोड़ी है। लेकिन हमारा एक कॉन्फिडेंस था, हम भरोसे से कह सकते हैं अगर ये कानून वापस नहीं लेंगे तो 2024 तक ये कानून बनाने वाली जमात को का हम सफाया कर देंगे, ये हमें पता था, ये हमें पता था। और उस साइड में हम बढ़ रहे थे। सतपाल मलिक गवर्नर हैं मेघालय के, इसके खिलाफ बोले, उनकी पार्टी के हैं। वरुण गांधी है, इनकी पार्टी का है। मेनका गांधी है, इनकी पार्टी का है। गडकरी है, इनकी पार्टी का है। इनके अंदर हमने बोला, हमने स्टेज से ऐलान किया था कि हम आपको अंदर से तोड़ेंगे, चोट मार कर आपका नाम निशान मिटा देंगे। हमने इनका इंटरनल नुकसान है, जो पॉलिटिकल नुकसान, अंदरूनी नुकसान हमने बहुत कर दिया, अभी भी कर दिया, आगे बढ़ेगा, आगे भी होगा, वो हो गया।